लगभग 100-odd points की यहाँ रिकवरी देखने को मिली है। और कौन से काउंटर्स में, ज्यादातर HDFC लाइफ, UPL, ये कुछ काउंटर्स हैं जो यहाँ रिकवर हुए हैं। एक बार देख लेते हैं और कहाँ आपको अच्छी लॉन्ग बिल्टअप पोजीशन दिखाई दे रही है। IEX, इसको हम कल डिस्कस भी कर रहे थे डिम्पी, और आज आप देखें यहाँ थोड़ा मोमेंटम दिख रहा है। IEX को आप प्लस करेंगे क्या? ये सीरीज एक्चुअली ना खत्म होने के बाद का इम्पैक्ट है। इस सीरीज से पहले तक तो इसमें नो डाउट लगातार अनवाइंडिंग का प्रेशर बना, क्योंकि जैसे सीरीज का कटान हुई, क्योंकि रोल ओवर इसके अंदर कम थे, तो आप नए सीरीज के अंदर नए लोग आते हैं, नए सौदे बनाते हैं, शेयरों को चेक करते हैं। इसलिए IEX आपने सही शेयर ढूंढा है। अब इसमें से ये हमको ये पता करना है कि अभी ये अपने पुराने वाले नेचर को ही लेगा, कैरी करेगा, या फिर थोड़ा पुल बैक दिखाएगा। एक बार गौरव आप चेक कीजिएगा IEX को, पिछली सीरीज के अंदर बहुत पिटा, इस सीरीज के अंदर चलेगा, साइडवेज होगा या फिर पिटेगा? जी, एक शॉर्ट टर्म बाउंस आने वाले 2 से 3 दिन के लिए आ सकता है, बट ओवरऑल मुझे लगता है सीरीज की अगर हम बात करें तो ये एक रेंज बाउंड रहेगा। नीचे की तरफ इसमें सपोर्ट आ रहा है, क्रूशियल सपोर्ट बन रहा है करीब 150-155 के रेंज में, और ऊपर की तरफ 175-177 का रेजिस्टेंस जोन है। सो एक ब्रॉड रेंज रहेगा आने वाले सीरीज के लिए, और शॉर्ट टर्म की यानी एक 2 से 3 दिन के ट्रेडिंग की अगर बात करें तो एक बाउंस आ सकता है 165 तक का। ठीक है, इसके अलावा कुछ एक ऐसे शेयर्स भी हैं जो आपको भले ही रेंज के अंदर है लेकिन उनके मूवमेंट बहुत कुछ इंपॉर्टेंस रखते हैं। उसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हिसाब से भी काफ़ी कुछ चेंज हुआ, जैसे कि जुबिलेंट फूडवर्क, उनके नए CEO आ गए, उनका बैलेंस शीट इस बार काफ़ी अच्छा दिखा, उन्होंने कहा कि हम कॉस्ट को एब्जॉर्ब कर लेंगे आगे चल के जो इन्फ्लेशन हो रहा है। शर्मिला हमारे साथ बनी हुई है। शर्मिला, आपका जुबिलेंट फूडवर्क पे स्टांस क्या है? आपको लगता है ये 513-514 का जो भाव है इसके अंदर ज़्यादातर इसके नेगेटिव डिस्काउंटेड है, लेकिन पॉजिटिव में अगर एक्सपेंशन करते हैं, कुछ और वैरायटी लेके आते हैं, तो ये शेयर अच्छा चल सकता है? एक बार आपका व्यू चाहिए इस पे। बिल्कुल, आई थिंक जैसे कि आपने कहा कि की टू जुबिलेंट फूड्स की वो किस तरह के नए ब्रांड्स लाते हैं और उनको किस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं, बिकॉज आई थिंक दे हैव प्रूवन की जो उनका बेस बिजनेस है विच इज द पिज्जा डिलीवरी, और वो जो उनका मेन्यू है वो काफी अच्छा उन्होंने मैनेज किया है, और उससे जो फ्री कैश वो जनरेट करते हैं वो कहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, दैट हैज ऑलवेज बीन ट्रिकी फॉर देम। आई थिंक एक उनका इन्वेस्टमेंट था दैट डिडंट सॉर्ट ऑफ रियली वर्क आउट टू वेल। आई थिंक द अदर पॉजिटिव दैट आई थिंक मेरे हिसाब से जो जुबिलेंट फूड के लिए है वो कि ये पूरे जो पैंडेमिक सिचुएशन था दे पिवटेड देमसेल्व्स वेरी नाइसली, जिस तरह से उन्होंने अपना ऑनलाइन प्रेजेंस इंक्रीज किया और you know they got on with the on all the apps jahan par online delivery hoti hai etc. So I'm positive on the stock. ye ho sakta hai ki jis cheez ki hum pehle baat kar rahe the ki jo P rebalancing wali jo cheez hai wo is par bhi lagu ho sakti hai, because you know ye sab stocks ko bahut fancy valuations mil rahe the, so that I think is caution, but otherwise agar aap long term hai to mere hisab se ye bahut acha stock. okay, theek hai. ek share mere ko aapse aur pata karna hai.